फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू चैनल प्रैप ब्लॉग्स। मैं आदित्य मेहता और मेरा ब्रदर प्रतीक मेहता। सो, ये पहली वीडियो है तो हम इसकी शुरुआत करेंगे भगवान से। तो हम जाएंगे आज ब्रह्म सरोवर, आपको पूरा टूर दिखाएंगे ब्रह्म सरोवर का। मैं जाऊंगा अपने ड्यूक पे और मेरा ब्रदर जाएगा हायाबूसा पे। तो देखो, तो मेरे ड्यूक और भैया के हायाबूसा तैयार है, अब देखिए। मैं और भैया तैयार हैं, अब चलते हैं। भाई हम चल चुके हैं और हमारे घर से 20-25 मिनट्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, अराउंड 10 किलोमीटर से। तो वैसे तो हमें निकलना था 6 बजे, पर भैया की साइकिल का पंचर हुआ था तो हमने सुबह उसको सही करा के अब हम निकले हैं 8 बजे। तो हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, अब आएगा फ्लाईओवर और अब बजेगी बैंड। सच्ची में बहुत फ्लाईओवर में चढ़ते हुए बहुत पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी वापस ना आ जाए हमारी। अब देखिए, फ्लाईओवर पर रिस्की हो सकता है, हमारी हाथ छोड़ के चलाने साइकिल तो हम रोक देते हैं। तो भाई व्यू देखो, दिन निकला आया, देखिए प्रोपेलर्स हैं यहाँ पे, ये रेलवे ट्रैक है, तो हम चलते हैं। अब आपको दिखेगी हमारी हायाबूसा की फुल स्पीड, अब देखिए आप। तो ये राइट में हमारे बालाजी टेंपल है, ये नया नया बना है कुरुक्षेत्र में, तिरुपति बालाजी टेंपल। ये देखो सर, इधर से दिखाता हूँ आपको, ये इसका मेन गेट है, अभी आपको यहाँ से सही से दिख नहीं रहा होगा। तो कभी हम यहाँ पे भी शूट करेंगे, एक दिन आपको लाएंगे, आएंगे यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा मंदिर बनाई साउथ का, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बस हम पहुंच गए हैं, आपको बोर्ड सामने दिखाता हूँ, अभी ब्रह्म सरोवर पहुंचने पर आपका स्वागत है, ये लिखा है इधर, ये ऊपर लिखा है, आपको दिखाता हूँ, ऊपर पढ़ लिया होगा आपने। बस हम पहुंच गए यहाँ पे, पहुंच गए हैं, ये मेन गेट नहीं है, वही गेट है जो अभी दिखाया आपको। तो आदि कह रहे हैं इसी चलते हैं। देखो गाइस, ये है अपना ब्रह्म सरोवर, ये हर स्टेट का अलग अलग बनाया है इन्होंने, यहाँ पे असम का है यहाँ पे, और इधर है वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे आपको रेलिंग दिख रही होगी, इसके साइड ही हम नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उधर लिखा हुआ पड़ा होगा बोर्ड पे, आपने लिखा होगा 15 फीट गहरा है पानी यहाँ वहाँ पे, तो बहुत गहरा है, वहाँ से कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है।
तो ये यहाँ का मेन गेट है, हम पीछे से आए थे क्योंकि हमारा वही पासवर्ड था। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है पूरा, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी। हम अभी यहाँ से आए हैं, अब आपको हम पूरा वहाँ तक दिखाएंगे। वैसे आपको दिख रही होगी फिशेस, बहुत सारी फिशेस है। पानी थोड़ा गंदा है इधर इस साइड है क्योंकि कोने में थोड़ा गंदा होता है। इधर से दिखाइए, अगर आपको दिख रही होगी फिश है इसके नीचे, आपको आगे भैया इधर डक्स। ये इसकी मेन गेट इधर दिखाया था आदि ने, तो इसकी रोड है ये। तो अब दिखाते हैं आपको लोटस, इस साइड है डक, इस साइड है लोटस, तो लोटस दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो लोटस, पहले हम पिछली बार आए थे थोड़े कम थे यहाँ पे, अब मेन चीज़ के लिए आ गए, कुछ खाते हैं जो असली चीज़ है यहाँ पे, तो चलते हैं आगे। गाइस जो मेन चीज़ की बात कर रहे थे वो हम दिखाते हैं आपको अभी। तो देखिए अब ये है मेन चीज़, मतलब ये है कृष्ण अर्जुन रथ स्टैचू, ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ये एस्टिमेटेड मतलब 450 फीट हाई है, और इसको 2 करोड़ रुपए में बनाया गया था कांग्रेस उस टाइम पे, कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ये 2007 में कंप्लीट हो गया था पूरा स्टैचू। पीछे है जैसे आप देखते हैं अर्जुन है, आगे कृष्ण है, ये बहुत बड़ा है। तो यही चीज़ की बात कर रहा था मैं आपसे। तो उधर सबसे ज़्यादा रश होता है 2 टाइम पे, जब दिसंबर में गीता जयंती होता है, सेलिब्रेशन होता है उस टाइम पे, और जब सूर्य ग्रहण का यहाँ पे पूजा होती है, जब सूर्य ग्रहण लगता है सोलर इक्लिप्स, जो इस ईयर लगा था पर इस टाइम कोरोना की वजह से ज़्यादा रश नहीं थी। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने महाआरती स्थल, तो यहाँ से होती है आरती, जो आपको दिखता होगा टीवी में, तो यहाँ से करते हैं। अरे यहाँ का ये मेन मंदिर है, ये सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको, मैं हम आज जा नहीं रहे अभी, तो आपको यहीं से दिखा देते हैं। देखो देख सकते हैं आप रोड पे कितनी अच्छी से पेंटिंग बनाई हुई है। अब हम ब्रह्म सरोवर से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं वीटा बूथ पे, भूख लग रही थी तो हम आ गए हैं वीटा के बूथ पे। पहले करेंगे हाथ सैनिटाइज, फिर हम पियेंगे दूध। खड़ी हमारी साइकिल्स, चीयर्स। साइकिल नहीं है ये, मेरी ड्यूक है और तेरी हायाबुसा है। सही बात है, चीयर्स। तो हम अब घर के लिए निकल चुके हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 7 और ये 8 है, और आगे इसके 5 और 4, हम रहते हैं सेक्टर 3 में। सेक्टर 7 का बोर्ड अभी आ चुका है जिंदल चौक, ओम प्रकाश जिंदल चौक इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से हमें राइट जाना है।
बुरी तरह थक चुके हैं और घर पहुंच चुके हैं। कम से कम 20 किलोमीटर राइड होगी हमारी आज। तो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि हम जो कुशेत्र के लोग नहीं हैं, आगे नहीं रहते, उनको भी बताएं कि यहाँ क्या है, परम सरोवर में क्या है, कितना अच्छा है यहाँ का सब कुछ। तो कुशेत्र में तो उनको तो पता ही है। तो अब आखिरी में आपको पता ही हम क्या मांगने वाले हैं आपसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।